ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अगर गठबंधन होता तो गठबंधन चुनाव बाद भी बरकरार रहता है, लेकिन जैसे 4 जून खत्म होगा, जैसे रिजल्ट आएगा, तैसे वो अपने घर भगेंगे, वो अपने घर भगेंगे, वो उनको गाली देंगे, उनको गाली देंगे। राहुल जी एक नाच के जोकर टाइप के हैं, जैसे वो जोकर ही करते हैं, जिस नाते उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आप राहुल गांधी जी को जो सपा कहीं लड़ाई में है ही नहीं, BSP अपना डमी कैंडिडेट खड़ा कर दी है, BSP कहीं लड़ाई में ही नहीं है। BSP पिछली बार गठबंधन करके 10 सीट पा गई, इसके पहले 1 सीट मिली थी। तो BSP का जनाधार दिनों दिन खसक रहा। जो दलित समाज के वोटर अब जागरूक हो रहे हैं, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो रहे हैं। आकाश आनंद को आप हो सकता है जानते हो, उन्होंने BJP को आतंकवादियों की सरकार कहा है और उन्हें पद से हटा भी दिया गया है। एक क्या लग रहा कि, और ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि BSP अब पीछे से BJP का सपोर्ट कर रही है, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि ये कांग्रेस वालों को वोट मत देना, ये धोखा देती है, फिर गठबंधन किया है, तो इस पर आपका क्या विचार है भाजपा के नेता के तौर पर? देखिए, राहुल जी के बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। वजह से आज जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है वो राहुल गांधी की वजह से हुई। आपका क्या विकास का मुद्दा रहेगा अब की बार? हमारी सरकार में विकास बहुत हुआ है और हर चीज़ विकास हुआ है, कोई बाकी नहीं कि जो विकास नहीं हुआ हो, चाहे वो शिक्षा से लेके हर चीज़ का विकास ही हुआ है। क्या नहीं, जैसे विकास के मुद्दे में अगर आप देखें तो ऐसा विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि ये बस दिखावे का विकास हो रहा है, भूमिगत विकास नहीं हो रहा, जो हकीकत में दिखना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है। भूमिगत विकास बहुत हो रहा है, पूर्वांचल रोड बना है, 1 घंटे में गोरखपुर जाइए, जो रोड बनता है विकास होता है और इससे बहुत विकास होगा, उद्योग लगने वाला है, उससे अच्छा विकास क्या होगा? आप संत कबीर नगर में BJP को लग रहा है आप, क्योंकि जो समीकरण सपा वाले ने बैठाया है, प्रवीण निषाद जी को BJP ने टिकट दिया निषाद पार्टी से गठबंधन करके, और पप्पू निषाद जो निषाद पार्टी निषाद का वोट देखते हुए सपा ने भी उनको किया है, तो निषाद का वोट कितना मुश्किल होगा आपकी बार सपा और भाजपा के लिए? नहीं, सब निषाद वोट देंगे, हम तो चर्चा किए हैं, निषाद सब देंगे, हाँ उससे कोई मतलब नहीं है, हमने पता किया, चर्चा किया, तो लोग बता निषाद कहें कि हम BJP वोट देंगे, किसान निधि मिल रही है 2000 रुपया और पेंशन बढ़ गया 1000 रुपया, तो क्यों वोट नहीं देंगे? अयोध्या का मंदिर बन गया है, सारी चीज़ मिल रहा है, इसलिए विकास वोट तो देना ही, कहीं वोट जाएगा नहीं निषाद वोट का। आइए हम और लोगों से बात करते हैं लाइव में, थोड़ा सा हम चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी लोग BJP गए, तो थोड़े से तीखे सवाल आपसे रहेंगे, आप जवाब दीजिए। क्या लग रहा है कि BJP को अब की बार सपा टक्कर देगी, क्योंकि जो समीकरण सपा वाले ने बैठाया है अब की बार निषाद, पप्पू निषाद करके हैं, सपा से उनको प्रत्याशी घोषित किया है, तो क्या प्रवीण निषाद जी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सपा कहीं लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के जो विकास मॉडल को 2 कार्यकाल में जनता ने देखा, उससे जनता पूर्ण रूप से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जिसके प्रभावित है, और सपा वपा कहीं लड़ाई में है ही नहीं। हाँ, ये है कि लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ टक्कर देंगे, लेकिन हमको जो लगता है या जो जनता का रुझान है उसमें कहीं सपा वपा दिखाई नहीं दे। अभी एक ट्विटर पर बयान भी वायरल हो रहा अमित शाह जी का, कि अभी जस्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग ये ना सोचे कि 75 साल के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, तब भी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, आगे भी रहेंगे, इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, राजनीति में कोई क्राइटेरिया नहीं होती, न कोई बाउंडेशन होता है कि हम एक इतने दिन ही रह सकते हैं। राजनीति में जब तक आदमी जीवन पर्यंत राजनीति में समाज सेवा कर सकता है, उसमें उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन ऐसे भी हैं जो आरोप लगते रह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में जो BJP, उसमें एक ऑटो भर आल्टो पलटा, उसमें 7 करोड़ रुपए मिले, जबकि आप देख रहे हैं इस समय एक समय इलेक्शन के टाइम में 7 करोड़ रुपए ऑटो से पलट, और विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि पैसे बांटने का सीन कुछ चल रहा है, ऐसी इस वजह से 7 करोड़ रुपए ऑटो पलटे तो उसमें 7 करोड़ रुपए की गड्डियाँ निकल रही हैं। भाई, आंध्र में भाजपा की सरकार तो है ना, आंध्र में तो
क्या नाम है उनकी सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, जगनमोहन रेड्डी। तो जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और वो पैसा इंडिया गठबंधन का है, न कि किसी भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष तो आरोप लगाता है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ आरोप लगाने के अलावा उसके पास कोई मुद्दे नहीं कि मुद्दे पे बात करें। विपक्ष कभी मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। और यहाँ की सीट, यहाँ की जो MLA की सीट है, सुरक्षित सीट है, इसका तात्पर्य यह है कि यह जो क्षेत्र है ये SC ST बाहुल्य क्षेत्र है। और क्या BSP भी असर करेगी इस पे, इस चुनाव पे? BSP अपना डमी कैंडिडेट खड़ा कर दी है। BSP कहीं लड़ाई में ही नहीं है। BSP पिछली बार गठबंधन करके 10 सीट पा गई, इसके पहले एक सीट मिली थी। तो BSP का जनाधार दिनों दिन खसक रहा। जो दलित समाज के वोटर अब जागरूक हो रहे हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो रहे हैं। अच्छा, आकाश आनंद को आप हो सकता है जानते हो, उन्होंने BJP को आतंकवादियों की सरकार कहा है और उन्हें पद से हटा भी दिया गया है। एक क्या लग रहा कि, और ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि BSP अब पीछे से BJP का सपोर्ट कर रही है, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और वास्तविकता ये है कि वही विपक्ष जो आज आरोप लगा रहा है, वही विपक्ष इसके चुनाव के पूर्व में गठबंधन करके चुनाव लड़ चुका, अपनी ताकत की आजमाइश कर चुका है। इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है कि बसपा बहुजन समाज पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनका अपना मामला है, किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे, ये तो विपक्ष एक एक। तो फिर इस पर भी आप क्या कहेंगे, जैसे सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, आपने पिछली बार भी उन्होंने गठबंधन किया था, तोड़ दिया था। अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि ये कांग्रेस वालों को वोट मत देना, ये धोखा देती है, फिर गठबंधन किया है, तो इस पे आपका क्या विचार है भाजपा के नेता के तौर पे? देखिए, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। अगर गठबंधन होता तो गठबंधन चुनाव बाद भी बरकरार रहता है, लेकिन जैसे 4 जून खत्म होगा, जैसे रिजल्ट आएगा, तैसे वो अपने घर भगेंगे, वो उनको गाली देंगे, उनको गाली देंगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ठगबंधन है, जनता को गुमराह करके ठगने का षड्यंत्र ये लोग करते हैं। और जनता अब जान चुकी है, जनता जागरूक है, पब्लिक सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से, हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता इन ठगों को जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। सिर्फ एक लक्ष्य है कि मोदी जी देश का विकास करेंगे और आने वाले दिनों 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र और अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। जनता ये समझ चुकी है, जनता वोट देने के लिए आतुर है, और ये 4 जून के बाद 400 पार का जो लक्ष्य है माननीय मोदी जी का, वो जनता के आशीर्वाद से पूरा हो। ये तो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं 400 पार नहीं, अब की बार पूरी तरह से हार का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल जी के बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। आप तो अमित शाह जी वाला बयान बोले, उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। नहीं, राहुल जी को वास्तव में गंभीरता से कोई नहीं लेता। राहुल जी एक नाच के जोकर टाइप के हैं, जैसे वो जोकरे ही करते हैं, जिस नाते उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आप राहुल गांधी जी को जोकर कह दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नौटंकी करते हैं। तो फिर सोनिया गांधी जी को क्या कहेंगे आप? सोनिया गांधी जी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, ठीक है, वो उनका अपना वो है। अगर सोनिया जी अगर लड़के को जोकर आप बना दे रहे हैं, फिर माता को भी कुछ तो बना ही देंगे। लड़के की वजह से आज जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है वो राहुल गांधी की वजह से हुई। चलिए, एक अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं, विशेषकर आलापुर की जनता के लिए, क्योंकि हम लोग लोकसभा संत कबीर नगर आलापुर में स्थित हैं। तो आलापुर की जनता के लिए अब की बार क्या कर रहे हैं यहाँ के जो सांसद होंगे, या जो प्रवीण निषाद जी सांसद थे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब जीत के आएंगे तो क्या लोग चुनाव उसके बाद करेंगे? देखिए, सांसद जी निश्चित रूप से एक योग्य और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जनता की भावनाओं को समझते हैं। सांसद जी जैसा जब यहाँ से जीत के जाएंगे, जीत भी रहे हैं और अच्छे प्रचंड वोटों से जीतेंगे, और जो सरकार की योजना रहेगी उसको क्रियान्वयन कराने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं और उसको वो कराएंगे। चलिए।